इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में दिल्ली कैपिटल को 7 विहार का सामना करना पड़ा। 10 मई यानी बुधवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली को चेन्नई सुपर किंग ने 7-10 रनों से हरा दिया है। इस हार के बाद डेविड वार्नर की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल दिख रहा है। दोस्तों बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल 11 मैचों में 8 अंकों को लेकर अंक तालिका में 10वें स्थान पर है। दिल्ली के 3 मैच बाकी है जिसमें से 2 पंजाब किंग्स के खिलाफ है, जबकि उसका आखिरी मैच अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ होना है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को अब चमत्कार की जरूरत है। प्लेऑफ यानी टॉप 4 में जगह बनाए रखने के लिए पहली शर्त यह है कि दिल्ली कैपिटल्स लीग चरण के बाकी बचे 3 मैच जीत ले। अगर वह पंजाब किंग्स को 2 बार हराती है और चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर जीत हासिल कर लेती है तो उसके खाते में 14 अंक हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को इन 3 मैचों में बड़ी जीत हासिल करनी होगी ताकि उसका नेट रन रेट भी अच्छा हो सके। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इसमें सारे समीकरण का फिट बैठना काफी मुश्किल है। यदि ये समीकरण दिल्ली कैपिटल के पक्ष में रहे तो वह 14 अंकों के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। ऐसी स्थिति में वह गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लीग स्टेज में 4th स्थान पर रहेगी। दोस्तों बता दें कि बुधवार यानी 10 मई को हुए मुकाबले की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए थे। कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 12 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली जिसमें 3 छक्के शामिल रहे। वही ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने 4 चौकों की मदद से 24 रनों का योगदान दिया। आखिर में धोनी ने 9 गेंदों में ताबड़तोड़ 20 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल की ओर से मिचेल मार्श ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और खलील अहमद, कुलदीप यादव और ललित यादव को 1-1 विकेट मिला। और बता दें कि लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 140 रन ही बना पाई। दिल्ली कैपिटल्स के लिए रिले रोसो ने सबसे ज्यादा 35 रन और मनीष पांडे ने 27 रनों का योगदान दिया और अक्षर पटेल ने 21 रन बनाए। सीएसके की ओर से मथिसा पथिराना ने सबसे ज्यादा 3 और दीपक चहर ने 2 विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा 21 रन और 1 विकेट लिए, उसको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।